नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और अगर बात की जाए समाज सेवा की, तो समाज सेवा के जरिए एक ऐसे हमारे साथ में शख्स मौजूद हैं जिन्होंने समाज सेवा के जरिए अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिसके चलते समाज और क्षेत्र को इनके ऊपर गर्व है। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से समाज के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं जिससे उनकी ख्याति बढ़ रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। आपसे जानने की कोशिश है कि अभी 24 नवंबर को एक आप प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, किस तरह का ये प्रोग्राम है और इससे समाज में क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? ये एक सांस्कृतिक और सामूहिक विवाह का दो प्रोग्राम है और 11,000 बच्चों को नोटबुक वितरण करने का प्रोग्राम है। इसमें ये है कि कुछ गरीब लोग हैं जो विवाह और ये सब चीज़ें में उनको कठिनाई आती है, उनका एक सॉल्यूशन है इस प्लेटफॉर्म पर कि वो आके विवाह कर सकते हैं, और गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए पुस्तक है और सांस्कृतिक संध्या कल्प में सारा प्रोग्राम किया गया। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट तलाशते हैं और उसके जरिए अपना जो है सब सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। आपने क्या कुछ चीज़ें कैसे अरेंज की? ये सब हमारा निजी खर्च है, ये हमने कहीं से अरेंज नहीं किया है। जो भी करते हैं अपने ही बलबूते पे करते हैं और ना ही कहीं हमारे ट्रस्ट के नाम पे और ना कहीं से हमारी कहीं की डिमांड है कि आप हमारे प्रोग्राम में हेल्प करें तो डोनेशन दे, नहीं। आज जो हो रहा है और कल जो होगा वो सब हमारे निजी खर्च से ही होता है और निजी खर्च से ही करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में कितने लोग सहभागी बनेंगे और साथ ही साथ में अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो किन प्रमुख पॉलिटिशियंस के जरिए इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाना चाहेंगे? इसमें जो है एक जो कैबिनेट मिनिस्टर चैनी जी हैं, जो राज्य गृह मंत्री हैं, और ब्रिजेश जी का भी अभी आगमन हो सकता है, और काफ़ी मतलब लीडर्स हैं, नेता लोग हैं जो आने वाले हैं इसके अंदर। अभी कुछ नाम पेंडिंग है फाइनल होना, तो जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। आगे आने वाले समय में क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जो है कहीं कहीं लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, किस तरह से मन में आपकी भावना उठी कि हमें समाज के लिए इस तरह का काम करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके? देखिए, एक मैं भी एक गरीब घर का था और भगवान की देन से आज बहुत कुछ अच्छा है, और वो मैंने दिन देखे हैं, इसलिए इच्छा मन में रहती है कुछ सेवा की जाए। और मैं जो 10 पैसा कमा रहा हूँ तो 1 पैसा सेवा में देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ और करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाज के लिए जो कुछ बेहतर बन पड़ेगा उसके लिए लगातार वो प्रतिबद्ध रहेंगे, आगे आने वाले समय में लगातार वो समाज सेवा करते रहेंगे जिससे जो है समाज का बेहतर हो। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष कुमार के साथ मयंक तिवारी, जो